चंबा नया बस अड्डा से बालू तक राइड विद प्राइड वैन चलाने की मांग जोर पकड़ने लगी। स्थानीय लोग आए और कॉलेज विद्यार्थियों ने निगम प्रबंधन से मांग की है कि इस रूट पर भी राइड विद प्राइड वैन चलाई जाए, जिससे उन्हें आवाजाही के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। वर्तमान में निगम की ओर से मेडिकल कॉलेज चंबा से मुगला और मेडिकल कॉलेज चंबा से भरमौर चौक जीरो प्वाइंट तक राइड विद प्राइड वैन चलाई जा रही है। न्यू बस स्टैंड से लेकर बालू तक भी इस वैन की आवश्यकता है। लोगों का कहना, इस रूट पर कॉलेज और विभिन्न विभागों के कार्यालय हैं। ऐसे में लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी हो रही है। भारतीय वरिष्ठ नागरिक फोरम के जिला अध्यक्ष पीसी उबराय होने के नाते मैंने कई बार निगम से ये मांग की गई कि जो राइट फॉर प्राइड जो छोटी गाड़ियां चलाई हुई हैं उनको केवल मात्र मुगला तक ही सेवा ना किया जाए, परंतु उनका दायरा कम से कम 10-12 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए और विशेष तौर पर हमारे जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, जो कॉलेज इस वक्त बालू के करीब नज़दीक जा चुका है, वहाँ बच्चों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। जो राइड फॉर प्राइड है वो नए बस अड्डा से लेके कम से कम किराणी तक एक्सटेंड की जाए, जिसमें जो हमारे 10-12 किलोमीटर के आने वाले बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको राहत मिल सके। इसी तरह जो ये हमारी राइड फॉर प्राइड जो मुगला तक चलाई है उसको भी करिया तक एक्सटेंड किया जाए और इसमें ये देखा जाए कि समय इस पर निर्धारित किया जाए, ये ना हो कि जब तक वो खचा खच भर ना जाए तो उसकी मूवमेंट जो है उस पर अंकुश ना लगाया जाए, बल्कि वो अगर 5 या 6 पैसेंजर हो जाते हैं जो जायज़ है उस पर ही वो चलाई जाए। तो मैं ये HRTC प्रबंधन से निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चों की दिक्कत को देखते हुए, विशेष तौर पर जो कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं उनको देखते हुए, ये जो राइड फॉर प्राइड जो फैसिलिटी है इसको कम से कम हम ये क्रिया और यहाँ बालू से आगे क्याड़ी तक जो है उसको एक्सटेंड किया जाए।